गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ मेरे वजन कम करने की जर्नी जो बंद हो चुकी थी बीच में बिकॉज ऑफ मूविंग बाली से यहाँ आने के लिए, और वहाँ जो डिनर वगैरह सब चल रहे थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। क्यों लेट हुआ, क्या हुआ, वो मैं सब बताती हूँ, पर पहले जाके देखिए मेरा वजन। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. तो देखा कितना वजन बढ़ चुका, ऑलमोस्ट 2 kg। ये क्यों बढ़ा है? ये नॉर्मल डे में नहीं बढ़ता है, भले आप बाहर खा रहे हो। मैं बाहर भी खा रही थी पर मैंने इतना भी नहीं खाया और मैंने एक्सरसाइज भी की है। यहाँ आने के बाद भी मैं रेगुलर फूड ही खा रही हूँ, हम लोगों ने बाहर बिल्कुल नहीं खाया। एक तो ये भी वजह है क्योंकि बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है तो कहाँ से खाएंगे, लॉकडाउन भी है। बट हम घर का ही खा रहे, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, बट इश्यूज बहुत सारे हो चुके हैं मेरी बॉडी में। वो इशू है मेरे हार्मोन इम्बैलेंस। ये मतलब अभी पता चला, अभी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मार्च में जब मेरे पीरियड्स होने के बाद में करीबन 1 महीने तक कंटिन्यू मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्राउन स्पॉटिंग, तो मैंने उस टाइम इतना फोकस नहीं किया था 10-15 दिन तक कि नॉर्मल है, चलो होता होगा, या मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर फिर लगा कि नहीं, ये शायद ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए कि क्यों हो रहा है। तो जो मेरे डॉक्टर थे वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है बिकॉज मेरी लक्ष्य के टाइम पे भी उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो उन्होंने बताया कुछ भी इशू नहीं है, ये शायद स्ट्रेस की वजह से या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है, बट आपके मतलब डरने जैसी कोई बात नहीं है, हार्मोन्स का ही थोड़ा ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी थी और मैंने वो ली। फिर उसके बाद सडनली ऐसा हुआ था कि कुछ मतलब पेट में सडनली मतलब दर्द हुआ, ज़्यादा ही दर्द हुआ, तो वापस हम डॉक्टर के पास गए थे, उसकी भी टैबलेट्स दी, पर डॉक्टर ने वही बोला कुछ इशू नहीं है। ये सब होता रहा, टैबलेट्स लेती गई, ठीक भी हो रहा था और ठीक हो गया था बीच में, मतलब कंटिन्यू 2 महीने तक मेरा रेगुलर वापस जो 28 डेज की जो मेरी साइकिल होती है उसी से पीरियड्स आ रहे थे। पर जो लास्ट मेरा जो मई में पीरियड आया उसके बाद जून में आने वाला था, उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, मेरा फोकस नहीं रहा, पर पीरियड्स लेट हो गए थे। फिर से वो हुआ कि पहले तो ये था कि 1 महीने तक कंटिन्यू स्पॉटिंग हो रही है और इस बार ये कि पीरियड्स ही नहीं आए, तो लगभग 10 दिन के बाद जब तक 10 दिन तक भी पीरियड्स नहीं आए तो यहाँ के गायनेक के पास जाके हम लोगों ने चेक करवाया। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, कोई इशू नहीं है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से ही आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और उसी की वजह से मतलब उसकी वजह ये हो सकती है कि आप शायद स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, और वेट कम करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, जो मैं ऑलरेडी खा रही हूँ, मैं हेल्दी फूड ही खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रही हूँ, मैं कभी स्किप नहीं करती। पर वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्यों क्या वो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था ना। तो उन्होंने मुझे ये इस टाइप की टैबलेट्स दे दी, ये आप देख सकते हो। तो ये मैं ऑलरेडी मतलब 5 दिन ले चुकी हूँ, मतलब 5 दिन की और है मेरे पास में, 10 दिन की टैबलेट्स दी थी कि इसके बाद में आपको मतलब थोड़े दिन के गैप में पीरियड्स आ जाएंगे, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये डॉक्टर जो गायनेक डॉक्टर होते हैं उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट होता वो बताया, पर उन्होंने भी सेम बोला वज़न कम करो, हेल्दी खाओ। जो मेरे बस में नहीं है कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, और आप YouTube पे देख के आप खुद डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस लेनी चाहिए जिनको नॉलेज हो। तो इसके एक और डॉक्टर होते हैं जो होते हैं डाइटिशियन, सही। तो मैंने इस बार सोचा वेरी फर्स्ट टाइम कि मुझे डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, उससे प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और इसीलिए मैंने फिर सर्च करना शुरू किया। बहुत सारे 2-3 मतलब ढूंढे मैंने, जिसमें से मुझे जो अच्छे लगे उनसे बात की, और फाइनली फिर मैंने एक डाइटिशियन को सिलेक्ट किया, उनसे बात की, और उनसे भी मेरा जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो मेरी इश्यूज हैं, उनसे कंसल्ट किए। कैसे कंसल्ट किए, क्या बात की, आप पहले वो वीडियो देखिए। जी
मुझे ये सेम ही फॉलो करना ना मॉर्निंग में जो तो ये पूरा मुझे मतलब 15 डेज का, जैसे ये जो ब्रेकफास्ट आपने चार ऑप्शन दिए, ये चार मतलब 4 दिन बाद वापस पहला वाला ऑप्शन यूज करना है। मैंने अपने क्वेश्चन लिखे थे, मैं पूछना भूल गई आपको। तो जैसे अगर मुझे आपने देखा, मैंने डाइटिशियन से क्या बात की, उन्होंने मुझे प्रॉपर फूड दिया है और उन्होंने बहुत इजी वे में फूड्स दिए हैं। मतलब लाइक ऐसा नहीं कि हर दिन का मेरा फूड अलग अलग चेंज हो रहा, उन्होंने ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब में तीन तीन चार चार ऑप्शंस दे दिए हैं फॉर 15 डेज, और उसको आप चेंज करके अल्टरनेटिव डेज में लेते रहो। मतलब 4 दिन का जो ले लिया, फिर से वो फर्स्ट डे जो लिया वो लो। वो सब क्या है वो तो आप मेरे वीडियोज में देख ही लोगे। तो मैं यहाँ पर पहले डिस्कस करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और चीज़ बोली थी कि ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं PCOD और PCOS के, जो नॉर्मली यू नो बहुत सारी गर्ल्स को होते ही है। मुझे नहीं लगा था कि मुझे होगा कभी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पीरियड्स लेट हो रहे हैं और जो सिम्टम्स दिख रहे हैं मेरे अंदर, जैसे पीरियड्स लेट होना, वेट बढ़ना। उन्होंने मुझे हेयर का भी बोला था कि आपके हेयर फेस पे बढ़ रहे हैं, तो मुझे उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया जो हो रहा है, और मेरे फेस पे भी थोड़े से मतलब पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है ध्यान रखते हुए भी। तो ये सब सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने बोला आपका जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके ये सारे सिम्टम्स जो है वो अर्ली है, आपने जल्दी पकड़ लिए। तो ये थोड़ा जो 2-3 महीने का टाइम है, आप अच्छे से प्रॉपर डाइट करोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, तो आपका डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको अब इन चीज़ों में बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं जो मैंने पहले लिख के रखा था कि कहीं कुछ मतलब पॉइंट चूक नहीं जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रॉपर डाइट लूँगी, जो उन्होंने बोला है वैसी की वैसी वो ही फॉलो करूँगी। और उन्होंने जो डाइट दी वो मैं ऑलरेडी फॉलो करी, कुछ चीज़ें छोड़ के वो मैं ऑलरेडी करती ही हूँ, पर इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या आएगा, पोर्शन कंट्रोल। मुझे रोज़ का जो भी मैं खा रही हूँ वो मुझे उनको फ़ोटोज़ भेजनी है, वो एनालाइज करेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर चेंज करेंगे और फिर से देंगे, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप के हिसाब से और आपके बॉडी के प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो डाइट बनाते हैं। ये फ़ायदा होता है जब आप डाइटिशियन रखते हो, आपके हेडेक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा एनालाइज वो करेंगे, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है, बट सही ढंग से सही टाइम पे। दूसरा ये है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगी। वैसे भी बाहर खाने का अभी कोई मतलब नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, मेरा बर्थडे भी आने वाला थोड़े दिन पे, बट उसको छोड़ के बाहर का मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूँगी। बाहर का छोड़िए, जो नॉर्मल होते हैं ना, जो काफ़ी हैवी फूड्स होते हैं, डीप फ्राइड वगैरह या जो अनहेल्दी होते हैं, वो सब में सिंपल घर का खाना, और उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने हैं यार हमारे, तो इंडिया की जो रेसिपीज होती है। मिल्क उन्होंने मुझे अवॉइड करने का बोला है कि आप दूध मत पीजिए थोड़े दिन, क्योंकि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। उन्होंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि दूध तो हम अच्छा मानते हैं ना, हम बचपन से ही पीते आते हैं, पर उन्होंने मना किया तो मैं नहीं पीऊँगी। उन्होंने बोला फर्मेंट की हुई चीज़ ले सकते हो, जैसे पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, पर दूध नहीं। पर चाय, जैसे मैंने बोला मेरे से वो नहीं हो सकता है, मतलब चाय कोशिश करूँगी कि छोड़ दूँ, पर इश्यूज है, नहीं कर सकते हो ना आप, अगर फिर वो मन में ही रहेगा। तो उन्होंने बोला आप ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी ले सकते हो, बट विथ ब्रेकफास्ट नहीं, आप या तो ब्रेकफास्ट के पहले थोड़ी सी ले लो या बाद में ले लो। तो वो ऑफकोर्स आप देख लेना, जो भी है मैं बताऊंगी आपको, मैं बहुत थोड़ी लूँगी। और पॉइंट है वो है स्लीपिंग,
उन्होंने बोला आपको स्लीप लेना मतलब 7 to 8 hours की बहुत ज़रूरी है, जो मैं ऑलरेडी ले रही हूँ, पर अब मैं प्रॉपर ध्यान रखूँगी कि मेरी 7 to 8 hours की स्लीप हो और टाइम पर हो। जो टाइम होता है कि आप 9 से 10 या 10:30 तक आप सो जाइए और सुबह आप जल्दी उठिए, तो ये जो टाइमिंग होता है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसमें आपकी नींद भी अच्छे से होती है और जो बाकी का रूटीन है वो भी अच्छे से फॉलो होता है, जो आपका उठने के बाद ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, लंच, डिनर सब टाइम से होगा। और एक और चीज़ बोली है उन्होंने, बोला है पानी का, जो ये मैं बोतल भी लेके आ गई, मेरी ये बोतल है, ये 1.5 liter की बोतल है, मतलब मुझे 3 liter तक पानी पीना है मिनिमम, 3 से 4 तक। तो मुझे ये 2 बोतल तो पूरी की पूरी ही ख़त्म करनी है पूरे दिन में। मैं अपना पानी अलग ही रखूँगी। पहले ये था कि काउंट करके नहीं पीती पानी, तो मैं पीती थी, ऑफकोर्स ज़्यादा पीती थी, पर काउंट करके नहीं पीती। अब मुझे काउंट करके पीना, इसलिए मैं अपने लिए अलग से बोतल भी लेके आ गई हूँ। इसी मेरी बोतल है और इसी में से मैं पानी पीऊँगी। और एक और चीज़ जो मैंने बोली वो है पोषण कंट्रोल, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, तो पोषण कंट्रोल पे ध्यान देना है, अच्छे से डाइट फॉलो करनी है। और इसी एक महीने में जो मैं ये एक महीने मेरा जो हेल्थ इश्यूज है उसको कंट्रोल करने या उसको रिकवर करने के साथ साथ एक और चैलेंज ले रही हूँ, वो है कि एक्सरसाइज में इस बार मैं 108 सूर्य नमस्कार का चैलेंज ले। झूठ ना, झूठ बोल रही है, झूठ। हर दिन करूंगी मतलब 30 days सूर्य नमस्कार। वो शायद अगर मेरे पीरियड्स आए तो वो पेन तो होना ही है ऑफकोर्स, क्योंकि इतना लेट हो चुका है और मैं टैबलेट्स लेके कर रही हूँ, तो उस टाइम 1 या 2 दिन स्किप होगा, पर मैं बाकी दिन पूरे 108 सूर्य नमस्कार करूंगी। और 108 मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मैं करती आ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से 108 पे हूँ, मैं आज भी करती हूँ, आज मैं 60, 70, 80 तक कर लेती हूँ और मुझे कोई भी पेन या थकावट नहीं होती है। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा अगर आप करते हो तो। मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं अब चैलेंज ले रही हूँ कि रोज़ मतलब एक्सरसाइज के अंदर सूर्य नमस्कार करूँगी। उसके बेनिफिट्स आपको ऑफकोर्स पता है और उसका प्रॉपर एक और मैं वीडियो बनाऊँगी जो 1 महीने बाद आएगा, इसमें मैं नहीं डालूँगी इतना। पर ये 2 चैलेंज ले रही हूँ, एक तो मुझे जो वेट लॉस करना है प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज, उसमें एक और ऐड हो गया सूर्य नमस्कार। ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे रोज का रोज, मेरा 30 दिन तक रोज का रोज ब्लॉग आएगा डाइट के ऊपर, जो मैं पूरे दिन खा रही हूँ। तो मैं तो करने ही वाली हूँ, मैंने ठान लिया है कि करना ही, अगर अभी मैंने नहीं किया तो ये बढ़ता जाएगा। एक बार अगर आपके बॉडी के ऊपर स्टक हो गया फिर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स में देख लो बहुत को ये प्रॉब्लम है और वो स्टक हो गया है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। पर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको आपका टाइम आपके लिए निकालना पड़ेगा। सॉरी, घर के काम करके भी आपको, क्योंकि अगर आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्या मतलब है। तो मैं तो अपने लिए निकालूंगी क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक रखना है। जब मैं अपने आप को ठीक रखूंगी तो मैं सबको ठीक रख पाऊंगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू करिए। जिनको मेरे जैसी प्रॉब्लम है वो तो प्रॉपर मेरे जैसा ही फॉलो करो। आपकी बॉडी कितना आपको सपोर्ट करती है, आपकी बॉडी में कितने अलग ये क्या था, आपकी बॉडी में कितना बदलाव आएगा वो आप मुझे बताइएगा, मेरी बॉडी में कितना बदलाव आएगा मैं आपको बताऊंगी। और जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉर्मल वेट बढ़ रहा है या जो भी इश्यूज है, थोड़े बहुत जैसे थकान होती है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक प्रॉपर सिर्फ हार्मोन्स या PCOD के लिए नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफ के लिए है। तो बस अभी ये वीडियो आज मैं डाल रही हूँ और कल से मेरा प्रॉपर डाइट क्या डे वन से शुरू होने वाला है, जो मैं हर रोज़ डालूंगी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है हर रोज़ वीडियो एडिट करके डालना, पर मैं 1 महीने के लिए पक्का डालने वाली हूँ। आप भी देखिए, आप 1 दिन बाद फॉलो करिए और आपका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, जो इस बार हम फोकस करेंगे वो होगा वेट से ज़्यादा इंचेस पे, क्योंकि वेट जो मेरी डाइटिशियन उन्होंने बोला कि फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, ऑफकोर्स वेट भी कम होगा, पर वेट से ज़्यादा हम इंच पे फोकस करेंगे। तो पहले देखिए मेरी इंच जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो जाके।
आपने देखा ये मेरी इंचेस थी, पर इसका रिजल्ट हम एक महीने बाद दिखेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट हर हफ्ते नहीं दिख सकता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, ये एक महीने बाद ही ज्यादा पता चलेगा। तो फर्स्ट डे मैंने डाल चुकी हूँ, अब मैं वापस इंचेस का जो भी है वो मैं डालूंगी एक महीने बाद। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे कल, बाय।